अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बिहाफ ऑफ गिरिजन एकेडमी सीनियर कैंपस कुशावला कैंट, आई एम मोहम्मद शहीदुल इस्लाम, योर मैथ टीचर। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फॉल वी डिफाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट इट्स अदर नेम इज दैट सेकंड डिग्री इक्वेशन। An equation having degree 2 is called quadratic equation. यानी ऐसी तमाम equation जिसकी highest power 2 हो उसको हम quadratic equation कहते हैं। Degree mean 2 power, okay? So this is quadratic. For example, x square plus 2 equal to 0, xy is equal to 1 over x plus 1 over y is equal to 1. All these examples belong to quadratic equation because their degree, all these equation having degree 2. So these are called quadratic equation. In other words, second degree equation. Okay. यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे this term में आपके पास 2 variable है, एक x है और एक y है। x की power 1, y की power 1, 1 plus 1, 2. This is this equation has 2 degree. 1 plus 1, 2, तो ये 2 डिग्री है, सो इट इज क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 2, एक टर्म में दो वेरिएबल, उनकी पावर का एडिशन डिग्री कहलाता है। तो जिसकी डिग्री 2 हो, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक बिकॉज आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा एक्स वाई, और फिर एलसीएम लेने के बाद एक्स वाई राइट साइड पर ले जाए तो ये एक्स वाई एक टर्म आपके पास जिसमें वेरिएबल एक्स वाई कंबाइन आ जाएंगे प्रोडक्ट शेप में, तो फिर उनकी पावर का एडिशन 2 बन जाता है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Okay, the standard form of quadratic equation is equal to 0. This is called standard form of quadratic equation, ax square plus bx plus c. Here a, b and c are constants, x is the variable. Clear? In this equation we have 3 terms. Number of term ye objective mein aa sakta hai. Number of term of standard form of quadratic equation is 4 option mein de dega, to number of term kitni hai? 3. 1 2 3. Number of constant in standard form of quadratic equation wo bhi aapke paas 3 hai. A b c, these are constants. Number of variable in quadratic equation, standard form of quadratic equation, so variable is 1, only x आपके पास एक ही variable है, and other MCQ is that number of solution of quadratic equation is 2 because their power is 2, जितनी variable की highest power होती है उतनी ही उसकी x की values आती हैं, उसका solution आता है, उसके root आते हैं, root solution को कहते हैं। clear? तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका सलूशन आपके पास जो है ना वो 2 वैल्यूज आएंगी इसकी, x की 2 वैल्यू इसका सलूशन आएगा। ओके, नाउ इफ b इज इक्वल टू 0 देन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप b को 0 कर देते हैं तो ये टर्म आपके पास स्किप हो जाती है, 0 हो जाती है, रिमेनिंग टर्म इज देयर। अब आपके पास ये जो 1 पावर वेरिएबल है ये 0 हो जाता है, यानी लीनियर, और ये 2 पावर, तो 1 पावर जब, तो ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक आ जाता है, इसमें कोई लीनियर मिक्सचर नहीं है। क्लियर है? यानी 1 पावर वेरिएबल जो है ना वो 0 हो गया, तो अब आपके पास वेरिएबल जस्ट 2 पावर में, तो 2 पावर प्योर क्वाड्रेटिक कहलाता है। ओके, इस कार्ड प्योर क्वाड्रेटिक। Now to solve the quadratic equation, there are 3 methods to solve the quadratic equation. इस equation को solve करने के 3 already आपने इसको matrix में पढ़ा हुआ है। Number 1, factorization. Number 2,
by completing square method. Number three, by quadratic formula. ये थ्री मेथड हैं, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड को हम सॉल्व करते हैं. कुछ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन. ये मेथड आपने यूज करना है, फैक्टराइज मेथड से आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये आपके पास वही है, थ्री टर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक अरेंजमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. अब अरेंजमेंट किसी भी इक्वेशन की टू टाइप्स में होती है, दो तरह की है, यानी एक असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में. आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी एक शेप में होनी चाहिए, चाहे असेंडिंग आ जाए तब भी पॉसिबल है, चाहे डिसेंडिंग में आ जाए तब भी पॉसिबल है. तो दिस इक्वेशन इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट पावर 2, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट. ये अरेंजमेंट में एवरी इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास. तो इस अरेंजमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. तो किसी भी इक्वेशन की अरेंजमेंट जब डिस्टर्ब होगी तो उसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी इस अरेंजमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करेंगे, तो वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है. क्लियर? अब आप इसको फैक्टराइज करें, मिड टर्म ब्रेक से इसको हम सॉल्व करेंगे. 3 और 1 आपके पास ऐड करें तो ये मिडल टर्म आपके पास 4 आ जाती है. 4 को ब्रेक करते हैं, 3x के प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0. क्योंकि ये मिडल टर्म पॉजिटिव है तो ये दोनों एलिमेंट पॉजिटिव के आएंगे, प्लस प्लस. तो 3 प्लस 1 ये 4x आ जाएगा. अब कॉमन निकाल दें, 3x इज कॉमन, 1 इज कॉमन. ऑलरेडी ये मेथड आप जानते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो x प्लस 1 इक्वल टू 0, either 3x plus 1 equal to 0, x is equal to 1, or 3x is equal to minus 1, or x is equal to minus 1 by 3, this is solution set, 1 and minus 1 by 3, this is your answer. Next question number, अब ये आगे question number 6 है, 7 है, 8 है, ये fraction में है. 6-7 को पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. ये फ्रैक्शन में आ रहे तो इजीली आप उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करके आप लोग सिंपलीफाई करते हैं, तो ये इक्वेशन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह की एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी. तो क्वेश्चन नंबर 8 में करता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. A over AX minus 1 plus B over BX minus 1 is equal to A plus B. ओके, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज में फैक्टर बनाने हैं, ठीक है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर बनेंगे, तो टू फैक्टर की फॉर्म में आपने इसको चेंज करना है. अब चूंकि यहां पे कांस्टेंट आ गए, A और B कांस्टेंट है, इसको आप कभी भी इस मेथड से मिड टर्म ब्रेक से इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड है जिससे आपके पास ये एक जो स्टेटमेंट है इक्वेशन है ये टू फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज ए ओवर एक्स माइनस 1 माइनस बी, बी ओवर बी एक्स माइनस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0. ये दिस अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ए और बी को लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे रिटर्न करना है. ये बी जो है वो ए वाले के साथ और ए जो है वो बी वाले के साथ अरेंज करेंगे. अब आप
इनका अलग एलसीएम ले लें और इनका अलग एलसीएम ले लें आप लोग। एलसीएम क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस वन, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, बी एक्स माइनस वन। तो ये इसे कैंसिल, ए आ गया माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस वन, दिस इज बी माइनस, इसको डायरेक्ट ए से मल्टीप्लाई कर ले, बी एक्स माइनस वन। सिंप्लीफाई, ए बी एक्स प्लस बी और ए एक्स माइनस वन प्लस बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए और बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। दिस इज चेक इट भाई, इन दो कैल्शियम, इन दो का और ये सिंप्लीफाई किया। अब आप देखें ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन दोनों के न्यूमिरेटर सेम हो गए, यानी ए प्लस बी माइनस ए बी, ये भी ए प्लस बी माइनस ए बी, दिस न्यूमिरेटर एंड दिस न्यूमिरेटर आर इक्वल सेम। तो जब दो टर्म में आपको एक सेम वैल्यू नजर आती है तो आप उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन का सबसे पहला जो मेथड है वो है टेकिंग कॉमन। तो कॉमन हम निकालेंगे तो आपके पास ये फैक्टराइज हो जाएगा, सो ए माइनस ए बी प्लस बी एज अ कॉमन, तो रिमेनिंग इज वन ओवर ए एक्स माइनस वन, वन ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज फैक्टराइजेशन। अब ये देखें आपके पास एक ये फैक्टर है और ये ये फैक्टर है, बोथ इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। हमने एक स्टेटमेंट को फैक्टराइज में फैक्टराइज कर दिया, दो फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये और ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि यहां पे ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे थे, बोथ इक्वल टू जीरो सेपरेट, क्लियर। अब सो इट कैन बी डन एज ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, आइदर वन ओवर ए एक्स माइनस वन, वन ओवर बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो x की टू वैल्यूज आपके पास आएंगे, दिस इज योर आंसर। सो a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, दिस शिफ्ट टू राइट साइड इट इज पॉजिटिव, तो a प्लस बी ओवर ए बी इतना के डिवाइड, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x, वन ओवर ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर बी एक्स माइनस वन, दिस फ्रैक्शन शिफ्ट टू राइट साइड इट इज नेगेटिव, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले आप, बी एक्स माइनस वन, ये माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, माइनस ए एक्स प्लस वन, ये एक्स और ये एक्स वाली टर्म, ये लाइक टर्म है, इनको आप एक साइड पे ले आया तो क्या आ जाएगा, इधर ये ए एक्स इधर आके पॉजिटिव प्लस बी एक्स और वन प्लस वन इट इज टू हो जाएगा, एक्स इज कॉमन ए प्लस बी इट इज टू, सो एक्स इज इक्वल टू ए टू ओवर ए प्लस बी, दिस इज योर आंसर। अब इसको आप सॉल्यूशन सेट में रिटर्न कर ले, आप ए प्लस बी ओवर ए बी और टू ओवर ए प्लस बी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये ऑलरेडी आपने ये मैटर में भी पढ़ा हुआ है, तो कोई एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन 9 टू 14 आर सेम। सेकंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, नाइन टू 14, तो इनमें 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू जीरो, दिस इज। अब इसमें फोर स्टेप है। कंप्लीट स्क्वायर मीन क्या होता है कि आपने ये टू फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा और एक इस फॉर्म में, ये फॉर्म आपने बनानी है। जब आप ये गिवन क्वेश्चन की ये शेप बना लेते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला शेप, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दो स्क्वायर है और आगे प्रोडक्ट एट प्लस टू ए बी, अगर प्लस टू ए बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर। सिमिलरली
आपके पास अगर 2 स्क्वायर है और साथ माइनस 2 ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये शेप बने तो आप उसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट स्क्वायर। तो आपने ये शेप बनानी है, प्लस वाले की ये शेप माइनस वाले की है। तो अब आप ये शेप बनाने के लिए यहां पे स्टेप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस स्टेप को आपने ध्यान में रखना है। वो स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज दैट कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पे ले दिया, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। दो स्टेप और है, फोर्थ स्टेप में जाके आपके पास ये कंप्लीट स्क्वायर आंसर आ जाएगा, फिनिश। ओके, कंप्लीट स्क्वायर। तो फर्स्ट थ्री स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप आंसर टर्म टू राइट साइड। सेकंड आपने क्या करना है, फिर ये आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड को आप उधर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर टर्म है इसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू वन, ये वन होना चाहिए। अगर वन है तो ये स्टेप कंप्लीट है, अगर वन नहीं है तो वन बनाएंगे, वेरी इजी। अब यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जो भी होगा उसको वन बनाना है। अब वन कैसे बनेगा, जो भी कांस्टेंट है उसको डिवाइड कर दे ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो यहां पे कांस्टेंट कौन है, टू है, अगर ए है, बी है, सी है, कोई भी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसको आप बोथ साइड डिवाइड कर दें। तो सेकंड स्टेप इज दैट डिवाइडिंग बाय टू ऑन बोथ साइड, करेंगे डिवाइड, क्या आ जाएगा आपके पास, 2x स्क्वायर ओवर 2, 12x ओवर 2, 110 ओवर 2, सो इट इज x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 55। दिस इज सेकंड स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1, दिस इज सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या है, ये टर्म रहेगी, टोटल थ्री टर्म है तो तीन स्टेप है, फर्स्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है, फिर सेकंड इसके ऊपर और थर्ड इसके ऊपर। अब इसके ऊपर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसको मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू ऑलवेज। थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये टर्म मिडल आपके पास रिमेनिंग है, इसके ऊपर ऑपरेट करना है आपने, ऑपरेशन क्या चलेगा इसके ऊपर, जो भी इसका कांस्टेंट है एक्स के आगे, जो भी कोएफिशिएंट है, दिस कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू, क्लियर। अब ये देखें आप, 6 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, दिस इज 3, 3 आ गया। अब एडिंग दिस स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऐड कर देंगे। एडिंग थर्ड स्टेप इज दैट, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब ये 3 कहां से आया, दिस क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, वी गेट 3। अब 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई 1 बाय 2 करने के बाद, चाहे वो फ्रैक्शन में आए या विदाउट फ्रैक्शन में आए, आप उसको बोथ साइड ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस 3 स्क्वायर, बोथ साइड आपने ऐड कर दिया, दिस इज थर्ड स्टेप। अब लास्ट स्टेप है, टोटल फोर्थ स्टेप। अब चेक करें, ये लेफ्ट साइड आपके पास ये शेप बन गई है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चेक इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्रोडक्ट ऑफ दीज टू है, याद रखिएगा 2ab का ये प्रोडक्ट है, इसको मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बन जाता है, किसके इक्वल है,
ए प्लस बी का उसके ए इसमें क्या एक्स, बी इसमें क्या थ्री. सो फोर्थ स्टेप इज दैट एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर. अब राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे, नाइन तो ये 64 आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड कंप्लीट स्क्वायर. अब क्या था कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद सॉल्व करें, सॉल्व का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर है, इसको फिनिश करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो क्या वैल्यू आ गई, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस 8. राइट साइड को ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव में लिखना है आपने, क्लियर. अब ये दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव 8 एंड माइनस 8, दिस कैन बी रिटन एज सो एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 3 it is 5, x is equal to minus 8 minus 3, so it is minus 11. Solution set 5 and minus 11. Okay. अब third method है to solve the quadratic equation by using quadratic formula. Question 15 से 20 तक ये question एक ही method से हैं. तो इनमें से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ऑलरेडी मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है, रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसके ऊपर अगर कंप्लीट स्क्वायर मेथड हम यूज करें, कंप्लीट स्क्वायर मेथड अगर हम यूज करें तो आपके पास ये सोल्यूशन आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन बाय कंप्लीट स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा. तो ये भी आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके, इंपॉर्टेंट है. तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसके लिए एबीसी की वैल्यू चाहिए. क्वेश्चन 15 से लेकर 20 तक ये सेम क्वेश्चन है, तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 15x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0. हियर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 15, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x 2a एंड c इज कांस्टेंट टर्म माइनस ए स्क्वायर. अगर नेगेटिव साइन है तो मस्त आप रिटर्न करेंगे, ओके. ये एबीसी की वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, पुटिंग वैल्यूज. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है 2a माइनस 2a प्लस माइनस रेडिकल 2a का होल स्क्वायर 4a, a की वैल्यू 15 एंड c की वैल्यू माइनस a स्क्वायर ओवर 2 इनटू a, a इज 15, ओके. अब ये वैल्यू आपने abc की पुट कर दी है, पुट करने के बाद जस्ट इसको सॉल्व करें, आपके पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी. दिस इज योर सॉल्यूशन. बस माइनस 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस 415 मल्टीप्लाई कर ले 60a स्क्वायर आ जाएगा 30. दिस इज माइनस 2a प्लस माइनस 64a स्क्वायर ओवर 30, माइनस 2a प्लस माइनस 8a आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल टू 8a ओवर 30. अब ये x की दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ. अब इसको वन टाइम पॉजिटिव लिख लें आप,
माइनस टू ए प्लस एच ए ओवर 30, आर माइनस टू ए माइनस एट ए ओवर 30, सो एक्स इक्वल टू 6 ए ओवर 30, इट इज 5, एक्स इक्वल टू ए ओवर 5, ओके, एंड एक्स इक्वल टू माइनस 10 ए ओवर 30, सो दिस इज 3, सो एक्स इक्वल टू माइनस ए बाय 3, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट, ए ओवर 5 माइनस ए ओवर 3, दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 19 एंड 20, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, 20 जो है वो इजी है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, तो ए बी सी की वैल्यू यहां से निकालेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू तो आ जाएंगी. तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, यहां एक्स माइनस ए बी प्लस एक्स माइनस बी सी प्लस सी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एक्सप्रेशन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली इन दो और इन दो को मल्टीप्लाई करें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, क्लियर है, मल्टीप्लाइंग ईच अदर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बी बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, फिर आगे इन दो को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0. अभी हमें 3x के वे टर्म एक्स स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर एड दिस, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, ए एक्स ये ए एक्स है माइनस टू ए एक्स बी एक्स माइनस बी एक्स एड हो जाएगा 2 बी एक्स सी एक्स और ये सी एक्स आपके पास माइनस टू सी एक्स और नेक्स्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इक्वल टू 0. ओके सिंप्लीफाई कर लिया, 3x स्क्वायर. अब ये 3 लाइक टर्म है x वाली है, इनमें से कुछ कॉमन है, x भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो माइनस 2 भी कॉमन निकालें, a प्लस बी प्लस सी बनेगा अंदर और x भी कॉमन, तो चूंकि वेरिएबल कांस्टेंट के बाद ही रिटर्न किया जाता है और कांस्टेंट को पहले रखा जाता है, इसलिए 2 को आपने लेफ्ट साइड पे लिख लिया और x को आपने राइट साइड पे लिख लिया, ठीक है. नेक्स्ट इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x के टर्म फिर x वाली और ये कांस्टेंट है सारी, तो यहां से आप ए बी सी की वैल्यू निकालें, है a is equal to 3 and b is equal to minus 2 a plus b plus c and c is equal to these are constants ab plus bc plus c using quadratic formula x is equal to minus b प्लस माइनस ओवर 2a. अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, ओके, एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी आपके पास क्या है, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस, ये दो माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, सो इट इज 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस रेडिकल माइनस टू इंटू ए होल स्क्वायर ये बी स्क्वायर बन गया आपके पास, ओके, आगे फोर ए सी
ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू आपके पास -4, A3, CAB, +BC, +CA, over 2A. A की वैल्यू आपके पास 3 है, this is. अब इसको सिंपलीफाई करते हैं एंड वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2 into A + B + C + -, रेडिकल. अब रेडिकल में ये स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 आ जाएगा आपके पास, और ये a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए. 3 टर्म का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca. ओके, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट -4 थीज़ 12 -12 into AB + BC + CA over 6 अब इसको सिंपलीफाई करते हैं. 4 इज कॉमन. अब 4 यहां से भी कॉमन है और 4 यहां से भी कॉमन बन जाते, तो इन दो से 4 होल कॉमन ले लें आप लोग. दिस इज होल कॉमन. तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस. अब 4 कॉमन है, 4 3s are 3 रिमेनिंग हो. अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम और माइनस साइन चेंज हो देंगे, 3ab 3bc 3ca और 6. सो x इज इक्वल टू 2 into A + B + C + -. अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका रेडिकल आपके पास क्या आ जाएगा, 2. इसको बाहर ले आए और रिमेनिंग आपके पास ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 2ab में से 3ab निकाल दें, -ab -bc और -ca आपके पास रिमेनिंग है. दिस इज ओके. अब ये 2 और ये 2 एक ही कॉमन, सो x इज इक्वल टू 2 इज होल कॉमन, रिमेनिंग इज a + b + c. हियर ए स्क्वायर ओके ओवर 6. अब ये 2 इज 6 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज 3. सो द सॉल्यूशन सेट इज दैट a + b + c, क्योंकि आगे ये रेडिकल में सॉल्व नहीं होता, ये सेम ऐसे रहेगा. ओवर 3, दिस इज योर सॉल्यूशन. This is your solution set of this quadratic equation. Okay, exercise आपकी complete होगी और remaining जो question है जो मैंने नहीं किए आप उसको as assignment complete करें. ये chapter easy है, already आपने matrix में भी इसको पढ़ा हुआ है. Next exercise इंशाल्लाह next lecture में करेंगे. Thank you very much.